ओम शांति बीस दस 2024 अव्यक्त बाप दादा के मधुर माहवाक्य रिवाइज हैं 28 तीन 2000 हजार हेडिंग इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यक्त से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ आज बाप दादा अपनी चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे हैं एक लकीर है प्रभु पालना की दूसरी लकीर श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर श्रेष्ठ मत की तीनों ही लकीर चमक रही हैं यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना प्रभु पालना का भाग्य प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को प्राप्त नहीं होता परमात्म पालना जिस पालना से कितने श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाते हो कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रही हो स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन में परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे यह भी स्वप्न में नहीं था लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है ऐसा अनुभव है ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे को बाप दादा भी देख देख इतना श्रेष्ठ भाग्य इस श्रेष्ठ भाग्य को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं वह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुँचे एक तो कहीं बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी तो सभी होली मनाने आए होना ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं होली पवित्र बनते हैं बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का हाईएस्ट कितना हाईएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं समय प्रति समय आयुव्य धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है न्यारी भी है कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्माएं चाहे धर्मात्मा धर्म पिता हैं लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र प्रकृति भी पवित्र सतु प्रधान पवित्र ऐसा होलीस्ट कोई न बना है न बन सकता है अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं है बनूंगा या नहीं बनूंगा क्या बनूंगा कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र पावन सुखदायी आदि आदि निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं निश्चय है ना टीचर्स को निश्चय है अच्छा एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना कितना प्यारा लगता है आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है बस सामने देखो अभी साधारण हूँ कल ड्रामा का कल ये कल नहीं जो कल आएगा तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है कल माना सत्युग जो बाबा कहते कल आज कल जो सत्युग आएगा उसमें पवित्र शरीरधारी बनना ही है पांडव क्या समझते हैं पक्का है ना सक्य तो नहीं है पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे सक्की है नहीं है ना पक्का है जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं तो सौगात क्या लाए हैं सुनहरी दुनिया सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं तो निश्चय है निश्चय की निशानी है रूहानी नशा जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हैं घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो तो बार बार अपनी स्वीट होम अपनी स्वीट राज्य की स्मृति आनी चाहिए ये समीप आने की निशानी है अपना घर अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे अनुभव हो आज यह है और कल यह बनूंगा कितनी बार पार्ट पूरा कर अपने घर राज्य में गई हो तो याद आता है ना और अब फिर से जाना है इतनी बार गए हैं और अब फिर से कल्प का अंत है घर पे जाना है अपने बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं अनेक प्रकार का अलबेलापन है मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है ये भी अलबेलापन है आदि आदि आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है सब चलता है ये अलबेलापन है साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है हो जाएगा कर ही लेंगे आदि आदि बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं सुनाई ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें यह भी प्यार है हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें पीछे पीछे नहीं आए बाप दादा के साथ चलें पीछे पीछे नहीं आए साथी बन के चलें तो समान तो बनना पड़े ना बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे और फिर अपने राज्य का पहला जन्म पहला जन्म तो पहला ही होगा ना अगर दूसरे तीसरे में जन्म में आ भी गए अच्छा राजा भी बन गए लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने यह है नंबर वन पास ऑनर वाले तो पासविथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते इसमें कभी अलबेले नहीं होना अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चाट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं लेकिन अभी बताना नहीं है बाप दादा हरेक महारथी सवार आदि आदि सबका चाट देख रहे हैं यह है, कई बार तो बाप दादा को बहुत बहुत तरस आता है हैं कौन और करते क्या हैं लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना याद है क्या क्या कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है बच्चों के ऊपर बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते कैच नहीं कर सकते इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं आज बाप दादा कह भी देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था अभी तो मोज बना लो अभी जो कुछ करना है कर लो कोई रोकने वाला तो है नहीं कोई देखने वाला तो है नहीं लेकिन ये गलत है सिर्फ नाम नहीं सुनाते नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए तो समझा क्या करना है समझा पांडो कि नहीं समझा चल जाएगा चलेगा नहीं क्योंकि बांप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है बांप दादा आपस में भी रूढ़ ध्यान करते हैं तो बांप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मनोवचन कर्म में अति में चाहिए साधारण पुरुषार्थ नहीं वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा से लगन अच्छी है सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो वाणी के साथ मन साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो मानो भाषण कर रही हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की चाहे शांति की चाहे परमात्म प्यार की कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्मृति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी में साथ साथ संदेश दो वाणी द्वारा संदेश दो मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से नैनों से सूरत से उसी अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का वर्णन करें मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुँचे, वायुमंडल बने जब साइंस के साथ ठंडा वातावरण कर सकते हैं सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई आ रही है गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती तो आपकी साइंस क्या हुँ? आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप हाँ, हमारा साइलेंस है पर बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं सुख स्वरूप सांस स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते हुँ? यह रिसर्च करो सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता है संगम युग श्रेष्ठ है वह ठीक है हीरे तुल्य है लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे अपनी दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे यह उमंग नहीं आता दुख देखना चाहते दूसरों का दुख देख करके भी रहम नहीं आता आपके भाई हैं आपकी बहनें हैं तो कुछ देखना अच्छा लगता है अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ ये प्रोग्राम किया ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ अभी मर्सीफुल बनो चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मिक प्रभाव से मर्सीफुल बनो रहम दिल बनो अच्छा बाप दादा ने एक बात और भी देखी सुनाना अच्छा नहीं लगता है कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं दूसरों की बातें देखना दूसरों की बातें वर्णन करना आदि आदि और देखते भी व्यर्थ बातें हैं विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है हर एक की विशेषता देखना विशेषता वर्णन करना उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है लेकिन व्यर्थ बातें जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है उसमें टाइम बहुत जाते हैं बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं है कॉमन बात लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है बोल में निर्माण बन निर्माण बनूँ बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए भले साधारण शब्द बोलते हैं समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना? लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का सीट का पाँच परसेंट अभिमान दिखाई देता है निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है निर्माणता मन में वाणी में बोल में संबंध संपर्क में आदि आदि हो ऐसी नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूँ एक में कम हूँ तो क्या हुआ लेकिन वह एक कमी पाश्विद ऑनर होने नहीं देगी निर्माणता ही महानता है निर्माणता महानता है झुकना नहीं झुकाना है कई बच्चे हंसी में ऐसा कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है ये भी तो झुके ना लेकिन यह झुकना नहीं वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है आत्मा की तो बात ही छोड़ो कितना नशा और ये नशे की बात है निर्माणता अहंकारी निर स्वतः ही बना देती है अहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेगी बहुत दुआएं मिलेंगी दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी निर्माणता ऐसी चीज़ है कैसा भी कोई होगा चाहे बिजी हो चाहे कठोर हो कठोर दिल वाला हो चाहे क्रोधी हो लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में भी संबंध में भी सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं वर्ष तो मनाएंगे ना बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं मुक्त वर्ष मनाओ जो भी कमी हो उस कमी को मुक्त दो क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी ना तो मुक्ति धाम में बाप के साथ चल नहीं सकेंगे तो मुक्ति देंगे मुक्ति वर्ष मनाएंगे जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे मनाएंगे एक दो को देख लिया ना मनाएंगे ना अच्छा है अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरात जोहरातों की यानी हीरे जोहरातों की जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे अच्छे हैं अपने को भी मुक्त करो अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो विचारों के मन में मन से यह तो ख़ुशी की आवाज़ निकले हमारा बाबा आ गया हमारा बाबा आ गया ठीक है अच्छा चारों ओर के सर्व आत्माओं को सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग रोहानी बाप की रूफानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रोहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते वर्तान एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मभाव स्पष्टीकरण एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है सरेंडर हो जाती है माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही तो यही नशा रहे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे हम ही कल कल्प की शक्तियां हैं और पांडव विजयी बने थे हैं और फिर बने के स्लोगन नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे पढ़ो नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है सभी ब्रह्मा बौद्ध संगठित रूप में साई साढ़े छः से साढ़े सात बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें सबको दुआएं दें और दुआएं लें सबको दुआएं दें और दुआएं लें आज का अव्यक्त इशारा है सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपनी पुरानी संस्कारों को मिटाना पड़ता है जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे एक हम दूसरा बाप तीसरी बातें देखने में आएंगी लेकिन देखते हुए भी ना देखो अपने को और बाप को देखो स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे ओम शांति